रिपी यार बनाओ यार चावल बनाओ, एक पतीला रह गया ना। मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? मैं विक्की आचार्य और आप देख रहे हैं विक्की आचार्य ब्लॉग्स। आज शुरू में हमारा तीसरा दिन है, मेहमान आ रहे हैं, लगता है कुछ इंक्वायरी हुई है। तो आज तीसरा दिन है और हमारी टीम भी यहीं पर है। खाना वगैरह हमारा बन गया है पूरा और अब बैठे हैं लोग नीचे। हमारी जो टीम है नीचे बैठी है धूप सेकने। हाँ जी, अलेओ में कथा चली है गाइज, और भंडारा यहाँ पर हो रहा है। यहाँ अलेओ में भी हो रहा है और मनाली में भी हो रहा है, तीन जगह हो रहा है। और अभी यहाँ दो जने आए थे वीडियोग्राफी करने और फोटोग्राफी करने, ये भी मुरारी जी बापू के साथ ही हैं, उनकी टीम ही है ये। ये लोग क्या करते हैं कि वीडियो बनाते हैं और साउंड सिस्टम भी शायद इन्हीं का ही है अपना, तो यूट्यूब में वीडियो डालते हैं, स्ट्रीम भी करते हैं शायद, सब कुछ इनका होता है। तो अभी आए थे, पूछ रहे थे मुझे, मैंने भेज दिया मंदिर के पास, वहाँ वीडियो करेंगे, वीडियो बनाएंगे, फिर रसोई के पास भी आएंगे शायद, यहाँ कभी बनाएं हम भी आ सकते हैं। उनकी मौसम काफ़ी बढ़िया है, ठंडा ठंडा सा है और यहाँ पर हवा चली हुई ठंडी ठंडी, आज काफ़ी ठंडी हवा, काफ़ी मज़ा आ रहा है। ऊपर देखिए पहाड़ों पे हल्की मुझे लगता है बर्फ़ पड़ रही है, वहाँ पे हो सकता है बर्फ़। डिप्पी यार बनाओ यार चावल बनाओ, एक पतीला रह गया ना, वो बना दो जल्दी से, फिर टाइम भी होने वाला है। तो आपको दिखाते हैं अब अपनी रसोई, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मैं। रसोई तो वैसे ही है रोज़ की तरह नॉर्मल। हाँ जी क्या? हाँ बस बस। तो यहाँ पर बने हैं जी इस पतीले में चावल, बासमती चावल 50 किलो, बहुत बढ़िया उतरे हैं आज। और यहाँ पर है दाल, राजमा की दाल बनी है। चलिए जी आगे। और ये सफ़ेद चने की दाल, दाल नहीं इसे कहते हैं जी मदरा, हमारे ये स्पेशल डिश होती है ये मदरा, ये सीरी है थोड़ी। इसके बाद कड़ी का नंबर आता है, इसमें आलू की कड़ी बनी है आज। यहाँ रोज़ बदल बदल के कड़ी बन रही है, कभी बूंदी पड़ती है, कभी आलू पड़ते हैं। उसके बाद आती है हमारी दाल माश तेलिया, जो ज़्यादातर इसमें घी पड़ता है, देसी घी काफ़ी होता है। आगे चलिए जी, यहाँ पर पीले चने बने हुए हैं। और उसके बाद है जी मीठे चावल, ये भी खास डिश होती है पहाड़ों में, ये देखिए बहुत बढ़िया शानदार। चलिए गौरव जी आगे चलिए। यहाँ पर रायता बना है, मीठे चावल और रायते का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा होता है, खा के देखिए एक बार मज़ा आ जाएगा। और ये राई, राई को दही में भिगोया गया है, इसको रायते में डालेंगे बाद में। और ये चावल दूसरा पतीला, इसमें कितने किलो है? 50 किलो नहीं, 35 इसमें, 50 में है, 35 इसमें है। ये हमारे श्यान जी हैं चावल के, हमारी टीम में चावल यही बनाते हैं अक्सर, और कई बार बहुत अच्छे भी बनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। कई बार मतलब आप सब लोगों को मैं छुट्टी दे दूँ। हाँ चलिए चलो, 35 किलो का कट्टा है और हमारे डीपी साहब अकेले उठाते हैं, इतना दम नहीं है। हाँ यार आएंगे काफ़ी, एक तोड़ा काफ़ी है। अब डीपी जी सोच रहे हैं थोड़े ज़्यादा चावल डालें, क्योंकि कल भी थोड़े कम हो गए थे हमारे पास, तो हमें लास्ट में और बनाने पड़े, लगभग 8-10 किलो और बनाने पड़े थे शाम को। आ जाना इनमें, कितने हैं बड़े है? कितने हैं ये? दो तीन पत्ते तो आ जाएंगे, फिर तो डाल देते हैं पार मेरे को। कथा अभी चलने वाली है 16 तारीख तक, तो आप आ सकते हैं 16 तक कभी भी अलेओ माउंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, जहां पर रोज़ाना कथा हो रही है। ध्याड़ी
सोना मैया रानी रे सेवा ओ मैया रानी रे सेवा हो नीलू बदरिया दोती सोना मैया रानी रे सेवा हो। देवी संग है ना देवी के देवी से गोरा डेरे भीतर ओ देवी ने माल नोटी जाचे देवी के बिन अच्छा मु बाय टूटी दी अच्छा दादा देवो अच्छा ये सुनी नोटी रे ना अच्छा जरूरी ना अच्छा रात जा ग्री कूद अच्छा 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 जरूरी जा के दूसरी रोज पहले जा के ता अच्छा वो सुनी तो थी मैं ना तदी परे नंदी के जानू आज के आवे से तो हो जाने मार के रे काफर के कोखे वासी लंबी है ते लंबी ना सा हो ना वीडियो ना। तो ऐसा है ये हमारी टीम है जो खाना खिलाने में लगी है बनाने में लगी है खिलाने में लगी है और अभी जाके हम स्टार्ट कर रहे हैं खाना जखाउन कर रहे हैं। इसमें थोड़े से लोग होते हैं ज़्यादा नहीं। पहले नमक मिर्च टेस्ट करेंगे और उसके बाद लोगों को बिठाना शुरू करेंगे हम लोग बड़ी मात्रा में। टाइम हो चुका है जी 7:15 और गाँव वाले अभी आ रहे हैं खाना खाने। ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी पैंट बैटरी है 1, 2, 3, 4, 5, 6 लाइनें हैं। 100 से 120 लोग बैठे हैं अभी इस पैंट में। तो ऐसे ऐसी चार पैंटें हो जाती है लगभग। 4 भी हो सकती है 3 भी हो सकती है। चलो जी ओके हो गया। एक और पैंट उठा दी हम लोगों ने। अब मुझे लगता है लास्ट हो जानी चाहिए। इसके बाद एक पैंट और हो सकती है बस उसके बाद फ्री। खाना खिलाने वाले अब नाम मात्र बचे हैं 2-4 बचे होंगे। बाकी दालें वगैरह देखिए हमारे लगभग ख़त्म ही हो गई हैं। और ये रहे हमारे लास्ट पैंट बैठी है और जो बर्तन हमारे खाली हो चुके हैं उनको धोया जा रहा है यहाँ पे। तो अभी फ्री होके मैं पहुँचा हूँ माल रोड पर। वहाँ यहाँ थोड़ा काम था तो काम भी हो जाएगा और घूमना फिरना भी हो जाएगा। और माल रोड पर सच में आज काफ़ी रश है, ठीक ठाक रश है। काफ़ी दिनों बाद आना हुआ है आज माल रोड। जय हो माता दी। निकलते हैं घर की तरफ। रात काफ़ी हो चुकी है और घर में गुन्नू भी आ गई है, उसकी याद आ रही है। काफ़ी मिलते हैं उससे। चलिए बाइक स्टार्ट करते हैं और चलते हैं। बाहर लगी है दोस्तों बहुत बुरी तरह से बारिश। और हमारे प्रोग्राम चला था राम मंदिर में, जैसा कि आप लोगों को पता होगा दशहरा चला हुआ है कुल्लू में, पूरे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। तो आज सेकंड लास्ट दिन है उसका। जी आज सेकंड लास्ट दिन है और वहाँ देवी रूप का प्रोग्राम चला हुआ था। मल्ला होता है आज, मल्ला यानी सेकेंड लास्ट दिन खास होता है। देवी रूप मनाया जाता है हमारे यहाँ पर। कुछ एक लड़के कन्या रूप में डांस कर रहे होते हैं, एक ट्रेडिशनल सा टाइप का है, ये खास तरह का डांस होता है। बीच में काना होता है, आसपास उस गोपियाँ होती है वो नाच रही होती हैं। तो उन गोपियों में से आज एक देवी बनेगी। आज कोई भी उन सब में से किसी को भी देवी आ सकती है। तो वही प्रोग्राम अभी चला हुआ था नीचे, लेकिन अभी एंड टाइम पर बारिश पड़ गई और बुरी तरह से पड़ गई है। सारा प्रोग्राम अभी रुका हुआ है। मैं भी घर आया वापस, जैकेट लगाई, वापस जा रहा हूँ। अब देखते हैं नीचे नीचे अब क्या क्या होगा। और नीचे बारिश बहुत, आवाज़ आ रही है बहुत ज़्यादा। मैं नीचे जाता हूँ, पहले आपको दिखाते हैं क्या क्या हो रहा है नीचे। तो वहाँ पर पूजा का कार्यक्रम शुरू हो चुका है मेरे आते ही। Thank you.
अच्छा हो गया है। शायद नहीं तो हुआ ठंड हुआ तो मैंने यार गाश लगा रहा है जी लगा सर कौन सा शेर खाना है बट बहुत ग्रामों में तो वेरी गुड जय हो शेर और शेर बना शांति आसान थी आसान है ना बारिश में देखो पहले पहले आ गए वेरी गुड पहले पहले आ गए ये तो हमारे विशाल बिट्टो है बाहर अपने यहाँ रख दे एक मिनट हम यहाँ से नीचे टोड़ बस ओके चल 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 ਇਹ ਉਹ ਟਾਗ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਹੈ ਬੜੀ ਅਜੀ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਤੂੰ ਅਕੀ ਚਾਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੂੰ ਡਿਊਟੀ ਡਿਊਟੀ ਜਵਾਰ ਨਹੀਂ ਨਾਈਸ ਯਾਰ ਇਹ ਐਸ ਅਸਲੀ ਸੇਵਾ ਹਾਂ ਬੜੀ ਚਾਹ ਚਾਹ ਠੀਕ ਔਰ ਔਰ ਕੁਝ ਔਰ ਕੁਝ ਇਹ ਹੈ ਇਹ ਦਰਵਿਚ ਚਾਹ ਗਾਂਵ ਵਾਲੋ ਕੋ ਦੇ ਦੀ ਖਾਲੀ ਪਿਲਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਵੀ ਠੰਡੂ ਹੈ ਭਾਈ ਜੀ ਹਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਰਾ ਸ਼ਰਾਈ ਨਹੀਂ